Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, Barabanki, Uttar Pradesh. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में, एक ऐसा नुस्खा और एक ऐसी मेडिसिन जो नाइटफॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है लोगों को. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मास्टरबेशन पहले बहुत ज़्यादा किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या है कि उनके अंदर नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है. एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस या फिर कसरत एहतलाम कहते हैं उसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. ऐसे लोगों में जिनमें नाइटफॉल डेली बेसिस पे कई कई मरतबा हो जाया करते हैं, तो उन लोगों के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाया करती है. उनकी बॉडी ओवरऑल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है. ऐसे लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है, वो किसी मेहनत के काम करने के लायक नहीं बचते हैं. इवन उनकी जो मेमोरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती है. उनको कुछ याद नहीं रहता है, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, जल्दी से याद होता ही नहीं है. उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, वो जो है हर वक्त बस पड़े रहते हैं. सुस्ती, काहली, थकान उनके अंदर बहुत ज़्यादा आया जाया करती है. इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, उनके सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है. सीमेन बिल्कुल वाटरी हो जाता है, जिसको हाइड्रोस्पर्मिया या रिक्क़त मनी के नाम से जानते हैं. इसी तरीके से ऐसे लोगों के अंदर जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, स्पेशली पेनाइल मसल्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो भी श्रिंक हो जाता है. श्रिंकेज का इशू होता है, कहते हैं कि छोटापन और पतलापन हो गया है, ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं. इसके अलावा उनको जो है इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या फिर इरेक्शन तो उनको बिल्कुल अच्छा होता है, हार्डनेस हो जाती है, बट वो जो इरेक्शन आता है उनको वो मेंटेन नहीं रहता है, वो सस्टेन नहीं रहता है, वो रुकता नहीं है, फौरन ही वो सबसाइड हो जाता है बिना इजैकुलेशन के ही. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो उनका इरेक्शन जो होता है वो सबसाइड हो जाता है, सस्टेन नहीं रहता है, है ना. तो ये परेशानी होती है. इसके अलावा और एक बहुत मेजर इशू होता है ऐसे लोगों में, वो होता है प्रीमेचर इजैकुलेशन. इवन सीवियर प्रीमेचर इजैकुलेशन होता है ऐसे पेशेंट में कि फौरन ही जैसे कुछ एक्टिविटी करने चलते हैं, उनका सीमेन जो होता है वो पूरा का पूरा पानी की तरह डिस्चार्ज हो जाता है, खारिज हो जाता है. तो ऐसे लोगों के लिए अगर इस तरह की परेशानी में आप मुब्तला हैं और आज भी आपको जो है डेली बेसिस पे नाइटफॉल हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही ख़ास नुस्खा और एक बहुत ही ख़ास मेडिसिन जो हमारी एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है, हमारी अपनी प्रिपरेशन है. प्रॉपरली हम इसको अपनी निगरानी में यहाँ पर प्रिपेयर करवाते हैं, और आप अपने पेशेंट को ही बेसिकली हम देते हैं, मार्केटिंग इसकी नहीं करते, है ना. मार्केट में ये मेडिसिन आपको नहीं मिलेंगी, जितने भी नुस्खे वगैरह हम आपको बताते हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये हमारी अपनी प्रिपरेशन होती है. तो अभी हम बताने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास है, ये है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111. बहुत सारे पेशेंट को हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है. कुछ पेशेंट अगर हमारे देख रहे होंगे तो उनको पता है कि किस तरीके से वो नाइटफॉल से परेशान थे और किस तरीके से उनको उससे इससे फ़ायदा हुआ और कितनी जल्दी उनको इससे रिलीफ हो गया है, और नाइटफॉल में इससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट हो जाया करता है. तो ये जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111, स्पेशली नाइटफॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है. इसके अलावा इसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बताएंगे, पूरी पैकेजिंग समझाएंगे, इसके एमआरपी बताएंगे आपको, अभी फ़िलहाल रख देते हैं. ये जो मेडिसिन है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 111, ये आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ नाइटफॉल में ही फ़ायदा पहुँचाती है, है ना. इसके अलावा इसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं नाइटफॉल की वजह से आपके अंदर जितनी भी परेशानियाँ आई होती हैं, उन सब को कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व करने का काम करता है. क्या? नंबर एक, आपका सीमेन वाटरी हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, सीमेन जो है आपका पतला हो जाता है, जिसे रिक्क़त मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो ये सीमेन को गाढ़ा करने का काम भी करता है. नंबर एक, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप होता है, अभी हमने बताया था आपको, तो ये क्या करता है, आपका जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है, जो इंटरकोर्स का जो मुद्दत होता है बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का ये काम करता है, यानी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को भी ये रोकता है, ख़त्म करता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को. इसी तरीके से कुछ पेशेंट में इस तरह के जो होते हैं उनमें इशू आ जाता है स्पर्म काउंट का, कुछ लोगों में ओलिगोस्पर्मिया और इवन कुछ पेशेंट में एजोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है,
यानी कि स्पर्म काउंट या तो उनके कम हो जाते हैं या बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके अंदर आ गई है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, कई साल आपकी शादी को हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही, तो साथ में हमारा स्पर्मोजेनिक, ये स्पर्मोजेनिक इसके साथ में इस्तेमाल कर लीजिए। गाय के दूध के साथ दो दो गोली सुबह शाम 111 की आपको लेनी है और गाय के दूध में आधा चम्मच स्पर्मोजेनिक को मिला करके ऊपर से आपको पी लेना है। सिर्फ इतना करना है, इंशाल्लाह इसकी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमेसेंस की वजह से, जो भी परेशानियां आपके अंदर आई हैं वो सारी की सारी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा इससे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखिए, स्पर्मोजेनिक के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, अक्सर हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही समझ लीजिए जादुई मेडिसिन है एक तरह से, जिस जादू की तलाश में आप लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं, ये वही जादू है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को होता है और इसी वजह से हम बहुत मरतबा ये रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को कि अगर आपको कोई परेशानी है तो भी, नहीं परेशानी है तो भी, साल में कम से कम तीन महीने ज़रूर स्पर्मोजेनिक का आप इस्तेमाल करिए। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भी कमियाँ इन फ्यूचर होने वाली हैं उसको भी ये रोकता है। प्रिकॉशंस के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो कॉन्सेप्ट है यूनानी में हिफ्ज़े मा तकद्दुम का, उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीमेन की क्वालिटी वगैरह, जाहिर सी बात है आजकल का लाइफ स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, टेंशनें बहुत रहती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सभी लोगों में फ़ायदा पहुंचाता है, तो सब लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पर्मोजेनिक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये एक महीने की पूरी डोज होती है और ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ का होता है, ये 500 रुपये की इसके MRP होती है बस। ये बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, पूरे महीने की जो डोज़ होती है वो 500 रुपये में आपको आ जाती है। ये जो मेडिसिन है हमारी डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111, ये भी कोई बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ती है। पूरे महीने की जो डोज़ होती है इसके अंदर पैक होती है, 120 टैबलेट इसके अंदर होती हैं और ये सिर्फ 450 रुपये की होती है, 450 रुपीज़। बहुत सस्ती मेडिसिन है ना, पूरे महीने की डोज़ है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके अंदर नाइटफॉल बहुत पुराना नहीं है, अगर नाइटफॉल जो ऐसा है कि थोड़े दिनों से हो रहा है, साल दो साल से आपको परेशानी है, तो 2 से 3 महीने मैक्सिमम 3 मंथ्स में इंशाल्लाह आपका नाइटफॉल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाता है, है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इवन उससे जो एसोसिएटेड सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसमें भी आपको आराम हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि आमतौर पर जिन लोगों में नाइटफॉल की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो उन लोगों में देखा गया है कि जो सारे सिम्टम्स हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे के सारे ऐसे लोगों में आते हैं। तो फिर आप इसका सिंगल इस्तेमाल ना करें, इसके साथ में आप क्या करें, ये स्पर्मोजेनिक भी ले लें, दोनों मेडिसिन आप इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर आपकी सारी परेशानियाँ जो हुई हो रही हैं ये सारी की सारी आपकी इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं, बाकी अगर इनका आपको ऑर्डर करना है तो मार्केट में नहीं मिलेंगी फ़िलहाल, ये मार्केट में हम देते नहीं हैं, अपनी हमारी मेडिसिन है, हम अपने पेशेंट के लिए सिर्फ प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आपको ये मंगानी है, ऑर्डर करनी है, तो डिस्प्ले पे जो आपको नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस शेयर करिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल पर बात कर लीजिए, जो हमारे असिस्टेंट आपको मिलेंगे वो आपको इसके बारे में सब कुछ समझा देंगे कि कैसे आपकी मेडिसिन डिलीवर हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।